गुड इवनिंग गाइस एंड हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित माथुर एंड आप लोग देख रहे हैं गाइस राइजिंग एजुकेशन पॉइंट। तो गाइस आज का हमारा जो चैप्टर है राइजिंग एजुकेशन पॉइंट के अंदर मैथ्स का, वो है गाइस सिंपल इंटरेस्ट का। गाइस आपने बहुत बार सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसके बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, एंड हमेशा की तरह मतलब लास्ट वीडियो की तरह भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2-3 क्वेश्चंस दे दूंगा जिसको आपको सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट कर देना है। गाइस मेरे लास्ट वीडियो से सच में मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है, क्योंकि इस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड मैंने आपको बोला था कि भाई आंसर जरूर कमेंट करना, लेकिन गाइस आप में से किसी ने भी भाई मेरे को आंसर कमेंट नहीं करा, एक बंदे भी मेरे को आंसर कमेंट नहीं करा, ठीक है। सब ने नाइस एंड ये एंड ऑल लिखा, ठीक है। तो गाइस मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आंसर दे दो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। सो गाइस आज के वीडियो में प्लीज़ वो चीज़ कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई डिसअपॉइंटमेंट मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड कसम से यार मैं बोल रहा हूँ, मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था कल की चीज़ देख के, लेकिन यार कर दिया करो यार, अच्छा लगता है थोड़ा आंसर कमेंट करने पे, ठीक है। लगता है भाई चलो मेहनत सफल हो गई, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, ठीक है। गेमिंग वेमिंग सब आसान होता है भाई, टीचिंग बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। सैल्यूट है भाई टीचर्स को। तो भाई चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कोई सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मतलब सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। तो गाइस मान लो अमन है, अपन अमन से जो है 100 रुपये लिए, ठीक है, 10% के रेट पर, और अपने उसको 5 साल के लिए मतलब लिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा इसका SI जो आपका निकल के आएगा वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो आपका ये 50 रुपये का, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो गाइस देखो सिंपल इंटरेस्ट वो होता है मतलब कि अगर आपने समझो किसी से कुछ पैसे बोरो किए, मतलब समझ लो आपने मेरे से 10 रुपये बोरो किए, ठीक है। आपने मेरे से 10 रुपये एक दिन के लिए बोरो करे, और फिर आप मैंने आपसे वो 10 रुपये वापस मांगे दूसरे दिन, ठीक है। तो अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट करूँगा तो उसमें आएगा 20 रुपये का आंसर, ठीक है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट के साथ मांगे, आपने मेरे को 20 रुपये दिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्यों ऐसा आया, क्योंकि भाई देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है भाई वो कुछ नहीं होता, वो बल्कि जो है आपने जो अमाउंट लिया है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने जो आपको मेरे को पे करना है, मतलब जैसे कि मैंने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, आपने मेरे को वापस 20 रुपये के, तो इसके जो एक्स्ट्रा 10 रुपये हैं इस वाले 20 रुपये के, यही जो है सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि आपने मेरे को डबल दिया है, मतलब मैंने आपसे बस 10 रुपये मांगे थे अपने वाले, लेकिन आपने मेरे को सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके 10 रुपये दिए, ठीक है। तो गाइस यही होता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो गाइस इसमें जो है 3 टाइप के मतलब फॉलोइंग्स होते हैं कुछ कुछ यहाँ पे, जैसे कि पहला जो होता है प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, P = principal, मैं लिख के बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो गाइस ये स्कूल वाले प्रिंसिपल या सिद्धांत वाले प्रिंसिपल नहीं होते, कुछ अलग होता है, ठीक है। प्रिंसिपल दुनिया में रेट आता है, ठीक है, रेट यानी कि जो रेट परसेंट है आपका, मतलब कितने पे आपने दिए है उसको, कितने रेट पे, ठीक है। एंड तीसरा आता है टी यानी कि टाइम, ठीक है, टाइम यानी कि कितने दिनों के लिए आपने उसको दिए हैं पैसे, ठीक है। तो भाई यही होता है टोटल, एंड इसी में जो है आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा गाइस। 110% मैं आपको देता हूँ, गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आपको जो सारा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक वाले सारे इसी पे बनेंगे, ठीक है। कुछ हार्ड वाले आते हैं मतलब बाद में आएंगे, वो अभी आपको नहीं आएंगे, Class 6-7 में आएंगे, ठीक है, वो आपको अलग उसमें होगा। तो जब आप 6-7 में जाओगे या फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस में बताना स्टार्ट कर दूंगा वो वाले भी, ठीक है। तो गाइस फिलहाल ये जो है बेसिक्स में बस आपको यही पूरा सीखना है, ठीक है, कैसे निकालना है। भाई सिंपल इंटरेस्ट भाई हद से ज़्यादा इजी है, मेरे को तो भाई सबसे ज़्यादा इजी को क्या चैप्टर लगता है भाई वो तो है सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइस अब जो हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्योंकि भाई फिर बाद में बाकी सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि यार तूने तो उसका फॉर्मूला बताया ही नहीं। तो गाइस देखो उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी भाई बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है SI = SI का फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट, ठीक है, यानी कि आपका अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट इनटू टाइम, मतलब आपका टाइम, ये 3 मल्टीप्लाई होते हैं, और यहाँ पे रेट परसेंटेज में होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे नीचे एक 100 आएगा, ठीक है। तो भाई SI को हम लोग क्या कर लेते हैं फिर, तो मान लो मैंने यहाँ पे जो है 200 रुपये लिए, ठीक है, किसी से 5% के रेट पे लिए और सेम 3 साल के लिए लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक मिनट जरा मैं फोकस कर लूँ एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 0 कट, इधर से 1 0 कट, इधर से 1 0 कट, इधर से 1 0 कट, ठीक है। 2 5 10, 10 3 30 रुपीज़ आएगा हमारा इंटरेस्ट इसका, ठीक है। इसका जो इंटरेस्ट आएगा भाई वो होगा टोटल 30 रुपीज़ का। तो भाई बस यही है सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपको बोला था हद से ज़्यादा इजी चैप्टर है। सो उम्मीद है कि आपका चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया होगा, ठीक है। और चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ पूरे वर्ल्ड प्रॉब्लम के हिसाब से,
ठीक है, तब तक आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चन को चेक कर लेना जब तक मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ, एंड उसको सॉल्व करके मेरे को आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, उदित बोरो ₹100 फ्रॉम आदित्य एट रेट ऑफ 10% एंड 5 ईयर्स, फाइंड हिज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, रेट पे यहाँ पे बहुत कुछ होता है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने कुछ नहीं करना, हम सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे 100 नीचे में हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा रेट है वो परसेंटेज में, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग जो है परसेंटेज इसमें रिमूव कर देते हैं, जैसे परसेंटेज रिमूव करते हो ऑटोमेटिकली 100 आता है, वो सबको पता है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, SI इक्वल्स टू यहाँ पे हम जो अपना परसेंटेज है हमारा वो लिख लेते हैं, मतलब टोटल प्रिंसिपल इंटू 10 इंटू 5, ओके अपॉन 100। तो 100 से 100 ये गया, ओके 10 5 50। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ₹50 का, ठीक है, ₹50 का हमारा आंसर आ जाएगा। एंड गाइस सॉरी अगर आपको जो है वीडियो में कुछ मोमेंट देखने को मिल रही है, मतलब अगर आपका जो वीडियो इधर उधर हिल रहा है, तो भाई मेरे को प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि गाइस मैं जो है अभी मैंने एक सेल्फी स्टिक मंगवाया है, मेरा जो सेल्फी स्टिक है वो टूट चुका है, तो भाई मैंने एक सेल्फी स्टिक का ही ऑर्डर कर दिया है, तो वो मेरे पास 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर आपको अच्छे से वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग फोकस कर लेते चैप्टर पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है ये हमारा ₹50 आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। एंड गाइस अब जो मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि मतलब इस इंटरेस्ट रेट पे जो है हमारा यहाँ पे बहुत मतलब कुछ होते हैं, ठीक है। गाइस रेट पे क्या होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, कि गाइस रेट पे हमारा यहाँ पे ना 3 टाइप के रेट्स आते हैं, ठीक है। एक पर एनम का, ठीक है, पर एनम, ठीक है। यहाँ पे एक और रेट आता है, वो आता है भाई पर हाफ ईयरली, एंड एक आता है पर क्वार्टरली, ठीक है। पर एनम का जो मतलब होता है वो होता है एनुअली, मतलब कि 12 महीने के अंदर एनुअली, 12 महीनों के लिए ही वो रेट होता है, ठीक है, वो एनुअली होता है एनुअली। ये होता है हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयर्स के लिए, ठीक है, हाफ ईयरली। और क्वार्टरली मतलब बस कुछ दिनों, मतलब कुछ महीनों के लिए, बस शुरुआत के कुछ महीने या फिर लास्ट के कुछ महीने या फिर बीच के कुछ महीनों के लिए, इसको कहते हैं हाफ क्वार्टरली, ठीक है, मतलब कुछ ही महीनों के लिए होता है, ठीक है। तो गाइस इसका जो है मैं आपको पूरे अलग से चैप्टर बनाऊंगा इस पूरे टॉपिक पे, रेट पे भाई मैं आपको पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भाई इसी चीज़ पे आएगी, एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर पढ़ना है, सपोज परसेंटेज या फिर कुछ भी पढ़ना है आपको, तो गाइस आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। सो गाइस उम्मीद करूँगा आपका आज ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो भाई आपको बस क्वेश्चंस बना लेने हैं डिस्क्रिप्शन वाले, और मेरे को कमेंट कर देना है, प्लीज़ यार आज कमेंट करना, मैं बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस आपको मैं देता हूँ, ठीक है। एंड भाई सच में बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो भाई 10 टेक्स में बनी है मेरी, ठीक है। तो भाई प्लीज़ पूरा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो भाई चलते हैं वीडियो के बाद में, और मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।